Hello everyone and welcome to the new episode of Beyond Mirage. Today we have a very special guest with us whose name is Ajay Gupta, who is a successful entrepreneur and a best-selling author. He has successfully set up business ventures in education, technology and healthcare. He established his organization SK Educations Private Limited in the year 1999. He is the founder of Bachpan Play Schools and Academic Heights Public Schools, and he co-founded Rishi Hood University and Must and More Diagnostic Center. Also, he is the co-founder of Prismart Productions. He has achieved all this despite suffering from 70% locomotive disability, both lower limbs and the left upper limb paralyzed due to polio since he was 9 months old. Welcome, Ajayji, to the podcast and web series of Beyond Mirage. It's a pleasure to host you. Thank you, Ji. Thank you for saying so lovely words for me. Thank you. सर, तो सबसे पहले ये स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप लाइक मैंने अभी जब इंट्रोडक्शन में बोला कि डिस्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम 70% लोकोमोटिव डिसेबिलिटी आपने इतना सारा अचीव किया है अपनी लाइफ में, तो ये जो ड्राइविंग फैक्टर है आपके अंदर जो आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट कर रहा है और इंस्पायर कर रहा है वो क्या है बेसिकली, और वो हम यूथ वो ड्राइविंग फैक्टर कैसे ला सकते हैं? सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। ऐसा बोलने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, सुन रहे होते हैं ना कि सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। ऐसा इसके ना सर मैं दो जवाब देना चाहता हूँ। पहला जवाब मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं मतलब बीइंग इन पोलियो पेशेंट ना, बहुत सारा टाइम मेरे पास अब बच जाता है। मुझे फिल्म देखने नहीं जाना पड़ता, मैं दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं करता, मुझे घर के फंक्शंस में नहीं जाना पड़ता, मुझे पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाना पड़ता था, मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाता था। तो एक तो बड़ी वजह ये हुई कि इस प्रॉब्लम की वजह से जितना सारा मेरा टाइम बचा ना वो सब बिजनेस में लग गया, वो सब काम करने में लग गया। तो इन दैट वे आई एम लकी टू हैव दिस प्रॉब्लम, मेरा बहुत सारा टाइम बच गया। अब मैं इसको अगर सीरियस नोट पे लूँ सर, तो ड्राइविंग फैक्टर ये है सर कि आपकी जो अचीवमेंट है ना वो आपको बुलाती रहती है, वो आपको और करने के लिए बोलती है। स्पेशली हम लोग फ्रेंचाइज बिजनेस में है, बचपन के वी हैव 1100 स्कूल्स नेशन वाइड। तो जब हम पहले 200 स्कूल के साथ ये वादा कर रहे थे कि हम ब्रांड को कीप अप रखेंगे, अलाइव रखेंगे, आपके लिए काम करेंगे, इसको इंडिया का बड़ा ब्रांड बनाएंगे, तो हम एक तरह से अपने आप को कमिट कर रहे थे। अब हमने फ्रेंचाइजी बनाते समय उनको ये बोला और ये ना रखे तो ये ठीक नहीं है। इट कीप्स यू मोटिवेटिंग, आपके उस भरोसे के ऊपर वो परिवार 400, 600, 800, 1000, 1100, अभी हम 1,50,000 बच्चा बचपन में पढ़ा रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ कि वो 1,50,000 बच्चों के जीवन में अगर बदलाव नहीं ला पा रहे, उनको पढ़ा नहीं पा रहे, उनकी तैयारी नहीं कर पा रहे, उनकी फाउंडेशन मजबूत नहीं कर पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है। तो ये एक ड्राइविंग फैक्टर है कि वट एवर कमिटमेंट यू हैव मेड टू यूर सेल्फ एंड टू द मार्केट यू हैव टू कीप देम अप। पेरेंट्स आर लुकिंग विद दैट पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स अस एंड वी शुड रीच दैट। नाइस, अमेजिंग। और सर, ये जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो है हम बोलते हैं, लाइक मेनी कंपनीज जो है वो चाहती है कि जो नए रिक्रूट्स हो उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट हो, तो ये अचीव कैसे किया जाता है और ये एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट एग्जैक्टली है क्या? सर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। अगर आप भारत का इतिहास देखें तो हम लोग हमेशा से बिजनेसमैन रहे हैं, शायद संसार भर को बिजनेस करना हम लोगों ने सिखाया है। लेकिन जब कुछ साल, कुछ 100 साल हमारे गुलामी के रहे तो हमारे माइंडसेट को चेंज किया गया और एक ब्रीड ऐसी तैयार हुई, एक दो जनरेशन ऐसी तैयार हुई जो जॉब्स के लिए बात कर रही थी। बेसिकली हम इंडियन जो है हम बार्टर सिस्टम लेकर आए, हम एक्सचेंज करना जानते हैं, हम वैल्यू फॉर मनी जानते हैं। तो एंटरप्रेन्योर माइंड तो हमारे ब्लड में है, इंडियन के ब्लड में है। अब इस माइंडसेट को लाने के लिए क्या किया जाए, इसमें बहुत सारे फैक्टर ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर मैं बोलूंगा कि घर परिवार, आपके जो बड़े हैं वो कैसे सोचते हैं कि आपको बिजनेसेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दूसरा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना कुछ बदलाव करने की रिक्वायरमेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत सालों से सिर्फ अपने जनरेशन को बिजनेस करने के लिए तैयार कर रहे हैं, सॉरी अपनी जनरेशन को जॉब्स करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज, हमारे एजुकेशन सिस्टम, वो सब यही बात कर रहे हैं कि कैसे आपको जॉब दिलवाया जाए।
जब एक यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट जाती है तो वो ये बताता है कि मैंने कितने बच्चों की किस लैब में जॉब लगवाई और मेरे बच्चे कहाँ पे प्लेस हैं। वो अभी भी उन बच्चों को हाईलाइट नहीं करता जिन बच्चों ने वहां से निकलकर बिजनेसेस किए और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश किया अपने आप को। तो इस सब में थोड़ा 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 सा बदलाव अगर हम करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि भारत की ये जो जॉब प्रॉब्लम है सो कॉल्ड, ये खत्म हो जाएगी। बहुत तेजी से हो रही है, हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, बट स्टार्टअप के अलावा भी अगर आप देखें तो छोटे छोटे बिजनेसेस करने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये माइंडसेट ऑलरेडी हम में है, इसको थोड़ा सा पॉलिश करने की रिक्वायरमेंट है एट ऑल लेवल, एट फैमिली लेवल, एट स्कूल एजुकेशन लेवल, एट यूनिवर्सिटी लेवल एंड एज ए होल सोसाइटी लेवल। तो ये जो एक टैबू बिजनेस करने को लेके हम लोगों ने बनाया हुआ है, इसको हमें जरूर ओवरकम करना चाहिए। ओके और सर, आपके हिसाब से आपने बोला कि कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है हमारे सिस्टम में या फिर द वे वी आर थिंकिंग, तो वो कौन से चेंजेस होने चाहिए? लाइक आपके हिसाब से अगर आप टॉप एक या तीन बता सके तो। जी, मैं अपने लेवल के चेंजेस बताता हूँ सर। मैं अपनी टीम, हम अपनी फर्स्ट टू एट की बुक्स अपनी बनाते हैं, हम एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल के नाम से। वी हैव 110 फॉर्मल स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया एंड वेयर वी हैव 40,000 स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर, जो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक अभी कर रहे हैं। तो मैं अपने चैप्टर्स में, अपनी बुक्स में अपने R&D टीम को बोलता हूँ कि आप एक चैप्टर रतन टाटा जी से ले लो, आप एक चैप्टर मतलब उन बिजनेसेस की स्टोरीज को कवर करने की कोशिश करो जो भारत में सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरीज हो रही है। माइंडसेट हमें नीचे से चेंज करना पड़ेगा, मतलब पेरेंट्स अपनी इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा हिस्सा बजाय किसी तरह से ब्राइब करके अपने बच्चों को जॉब दिलवाने के या वहां तक कीप अप करने के लिए, वो थोड़ा सा हिस्सा ये कोशिश करें कि अगर उसका एजुकेशनल माइंडसेट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है तो उस पर हम थोड़ा सा काम करें, या इसी तरीके से स्कूल कॉलेज लेवल पर जो एजुकेशन होनी है उस पर हम काम करें। मैं को फाउंडर हूँ रिश्यूड यूनिवर्सिटी का, जैसे आपने बताया, हम यूनिवर्सिटी में क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, सभी स्ट्रीम्स में एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ा रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक बच्चे को सबसे पहले एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। माई फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, माई डॉटर इज ए डॉक्टर। अब वो बोलती है, पापा मैं बैंक में पैसे रखने पे इंटरेस्ट क्यों मिलता है? तो हमारे सिस्टम ने उसे डॉक्टर तो बना दिया, बट उसका जो एंटरप्रेन्योर सेटअप है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। या मैं यही बात करूंगा कि मेरा बेटा खुद का लॉयर है और वो BBA LLB पढ़कर आया है, तो अब वो ये नहीं जान रहे कि मेरे को जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो मैं स्टॉक में करूंगा तो टैक्स कैसे बनेगा। और तो हम अपने किसी भी तरह की जनरेशंस का एंटरप्रेन्योर सेटअप तैयार नहीं कर रहे हैं जी। उन्हें वो लाइफ में उनके किसी भी कोर्स में, मतलब 6th to 12th में और फिर उनके BBA LLB में या उनके MBBS में, उनको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ाया गया। मैं, ठीक है, आप डॉक्टर को एंटरप्रेन्योर नहीं बनाना चाहते, ओके, बट एटलीस्ट उसकी वो बेसिक तो तैयार कर दो कि वो ये ना पूछे कि मुझे बैंक में पैसे रखने पे इंटरेस्ट क्यों मिलता है, इंस्टेंट की बैंक मेरे से चार्ज करे वो मुझे क्यों देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़े थोड़े से बदलाव हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम में, अपनी सोसाइटी में करने चाहिए, जिसका बहुत तेजी से असर आ भी रहा है, लेकिन अभी बहुत सारा असर आना बाकी है। Got it. अभी आपने बीच में एक रतन टाटा जी का एग्जाम्पल दिया था, तो उससे मुझे वैल्यूज याद आते हैं, फिलेंट्रोपी याद आती है, लाइक वी एसोसिएट रतन टाटा जी विद दैट। तो आपको क्या लगता है, जो एडुकेशन है हमारा, ठीक है, जो अभी एडुकेशन है या फिर जो आगे एडुकेशन होना चाहिए, उसमें वैल्यू एडुकेशन है या फिर जो एक एनवायरनमेंट के प्रति प्रेम है या फिर जो हम इमोशनल कोशेंट बोलते हैं या फिर एक SQ या फिर स्पिरिचुअल कोशेंट बोलते हैं, तो उसका क्या महत्व होगा? या फिर वो है, अभी एग्जिस्ट करता है और उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर उस पर हमें फोकस करना चाहिए आगे? आपके हिसाब से क्या है उसका इम्पोर्टेंस? सर, इन सब पे बहुत तेजी से हमारे समाज में बदलाव आया है और उस बदलाव के हिस्सेदार हम सब बने हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सरकार का ध्यान इस बात पे नहीं है, सोसाइटी का नहीं है, स्कूल का नहीं है, बट वो बदलाव बहुत कम है। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ। जब हम एजुकेशन पढ़ते थे और हमें पढ़ाया जाता था और हमारे अंदर के इमोशन की बात करते थे, तो ये बताया जाता था, इफ यू गेट ए ब्लाइंड मैन, आप उसको सड़क पार करवा दो। इसके बाद नहीं बताया जाता था कि आप क्या करो, क्या आप उससे पूछो कि आपका घर कहाँ है, मैं आपको छोड़ दूँ? क्या आप उससे पूछें कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? क्या आप उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, 10 मिनट 5 मिनट? हम सबको एज ए सोसाइटी अपनी ये जिम्मेदारी माननी चाहिए
अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए। वो हफ्ते में, वो सप्ताह में 5 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट अगर हम सब एज ए सोसाइटी ये जिम्मेदारी लेंगे तो ये बदलाव आएगा। आप दोबारा देखिए कि अब स्कूल्स में एनवायरमेंट के प्रति काम करना सिखाया जा रहा है। जब तक मैं स्कूल में था मुझे कभी नहीं बताया गया, ये तो बताया गया पेड़ हमारे मित्र हैं, नहीं काटना चाहिए, ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन इसके आगे नहीं पढ़ाया गया। तो जरूरी है कि जो भी सब्जेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हमें पढ़ाने चाहिए। पर्संस विद डिसेबिलिटी की रेंज में आता हूं मैं, मुझे कभी नहीं पढ़ाया गया हाउ टू डील विद पर्संस विद डिसेबिलिटी। मेरे बच्चों ने भी कभी नहीं पढ़ा। जब मैं खुद व्हील चेयर पे आया देन वी रियलाइज कि यार ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट पे हमें काम करना चाहिए। तो वो पहला बदलाव मैंने देखा मेरे बच्चों में आना शुरू हुआ, फिर मेरे ऑफिस के स्टाफ में आना शुरू हुआ, फिर मेरे फ्रेंचाइजीज में आना शुरू हुआ। तो मेरे एक बदलने से कुछ 10,000 लोग जो मेरे से करीबी जुड़े हैं उनमें वो बदलाव आना शुरू हुआ। अब हम उस बदलाव को कैसे 10,000 से 1 लाख और 1 लाख से 1 करोड़ तक लेके जा सकते हैं ये हमें देखना चाहिए। मेरे फॉर्मल स्कूल फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं बोलता था मेरा कमरा व्हील चेयर फ्रेंडली होना चाहिए, मेरा टॉयलेट व्हील चेयर फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन अभी भारत के पूरे मेरे 100 स्कूल व्हील चेयर फ्रेंडली होना चाहिए। मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ जिसमें से हमने 30 स्कूलों को व्हील चेयर फ्रेंडली कर लिया है। अब ये बात मैं कैसे 100 स्कूलों तक लेके जाऊं, कैसे उनके टीचर्स तक लेके जाऊं, कैसे उन बच्चों तक लेके जाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी आ जाती है। हमने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई है विच इज 100% एक्सेसिबल इन ऑल टर्म्स, सभी तरह की डिसेबिलिटी को हम कैटर कर सकते हैं, और हमने उसको इंक्लूसिव विचारधारा पे बनाया है। हर फ्लोर पे 2 कमरे हैं जो स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो वो अपने पीयर ग्रुप के साथ रहकर भी वो सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है। कुछ और समय लगेगा, हमने रियलाइज थोड़ी देर से किया, बट तब शायद इसलिए रियलाइज नहीं कर पाए कि मीडिया उतना स्ट्रांग नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, आप नहीं थे, इस तरह के सवाल नहीं पूछे जा रहे थे। ये सब अब बहुत तेजी से बदलाव में है, तो मुझे लगता है हम थोड़े लेट हैं, मतलब स्टिल प्लेइंग इंजर्ड बट स्टिल प्लेइंग नॉट आउट, तो हमने मैदान नहीं छोड़ा है। आई बिलीव कि आने वाले 4-5-6 सालों में भारत की तस्वीर बहुत तेजी से बदलेगी। नाइस नाइस। और सर जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर है और इतना सारा मैनेज कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी है वो है टाइम मैनेजमेंट, जिसके ऊपर काफ़ी लोग रिसर्च करें कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। हमारे पास इतना सब चीज़ें करने के लिए बट हमें टाइम नहीं मिलता है। दीज आर सम बेसिक एक्सक्यूजेज जो सुनने में आते हैं। तो मुझे ये जानना है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, और कोई भी इंसान लाइक अ स्टूडेंट हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर हो, वो अपने टाइम को एफिशिएंटली कैसे मैनेज कर सकते हैं सो दैट वो अपने टाइम को बेटरली बेटर यूज करके एक अच्छा प्रोडक्टिविटी ला सके। सर सच में मैं बेटर कैंडिडेट नहीं हूँ इसमें, इस जवाब को देने के लिए। वेरी ऑनेस्टली मैं अपना टाइम ठीक से अभी भी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। इसको लेके मेरी पत्नी मेरे से नाराज रहती है, मेरे बच्चे मेरे से नाराज रहते हैं, मेरे माता पिता भी उतने खुश नहीं रहते हैं कि मैं उन्हें समय नहीं देता हूँ, और मैं अपने मन की चीजें भी बहुत सारी नहीं कर पाता हूँ। तो मैं टाइम मैनेजमेंट में सच में अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं पुअर हूँ, बट प्रायोरिटीज जरूर सेट करनी चाहिए, क्योंकि आपने बोला है कि स्टूडेंट्स या जो अभी नेक्स्ट जनरेशन है वो अपनी प्रायोरिटीज जरूर सेट करें, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रायोरिटीज सेट करके अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट को करेंगे तो शायद बेहतर हो जाएगा। आई एम नॉट रियली गुड इन टू टाइम मैनेजमेंट, मेरी चीजें बिखरी रहती हैं और थोड़ी हमेशा काम पेंडिंग रहते हैं, एक राइट हैंड की ड्रॉअर में काम पेंडिंग रहते हैं, ऑफिस की लेफ्ट हैंड की ड्रॉअर में काम पेंडिंग रहते हैं, एक काम का बैग साथ साथ पेंडिंग चलता रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट सच में एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसको आपकी एज और आपकी वर्किंग के अकॉर्डिंगली डिजाइन करना चाहिए। जिसमें मैं एंटरप्रेन्योर को तो शायद कह सकता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को एज ए होल ये नहीं कह पा रहा हूँ कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। एंटरप्रेन्योर को कैसे करना चाहिए? सर एंटरप्रेन्योर का टाइम मैनेजमेंट ना बड़ी अलग तरीके से मैनेज करता है, वो थोड़ा सा डिजाइन करे कि किसमें उसकी रिक्वायरमेंट है और किसमें नहीं है। पहली गलती मिड साइज एंटरप्रेन्योर, ऐसे मैं मिड साइज तक की जानता हूँ, अभी मैं और बड़े साइज पे नहीं हूं तो मैं नहीं जानता हूं कि वो कैसे टाइम मैनेजमेंट करते होंगे, बट अगर मिड साइज की बात करें तो सर वो अभी भी हम ये गलती कर रहे हैं, मैं हम बोलूंगा अभी भी हम ये गलती कर रहे हैं कि हम सारे काम को खुद करना चाहते हैं और एप्रोप्रिएट टीम वहां नहीं लाना चाहते। तो अगर हम ये प्लान करें कि हम हर महीने एक नई टीम बनाएंगे और उस टीम को काम करना सिखाएंगे और वो मेरे काम करेगा, जैसे मेरे पास कुछ 5,000 मेल पर मंथ आती है और मेरे तक अभी 15 मेल आती होंगी या 20 मेल्स आती होंगी, तो मैंने ओवर ए पीरियड ये प्लान किया कि मैं
मेल्स के जवाब नहीं दूंगा, और वो मेरे पे जो इम्पोर्टेंट मेल होंगी जो मेरे तक आनी चाहिए वो आनी चाहिए। मैं जितने भी मेरे टेलीफोन कॉल्स हैं उनको लिस्ट बना के मेरा जो ईए कैंडिडेट है वो जब मैं ट्रेवल पे होता हूँ तो जोड़ देता हूँ, इस तरह की चीज कर लेते हैं। मेरे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है मैं उनको अपने साथ ट्रेवल पे ले जाता हूँ, जब भी मैं बड़ा ट्रेवल कर रहा होता हूँ 1 दिन का 2 दिन का, तो उनकी पूरी लिस्ट बनी होती है और हम 2 3 4 घंटे उसको, तो जो प्रायोरिटीज नहीं है उनको थोड़ा पीछे किया जा सकता है और जो प्रायोरिटीज है उन्हें थोड़ा सा आगे किया जा सकता है। एक और बात है, मिड साइज एंटरप्रेन्योर ना सर फायर फाइटिंग में ज्यादा लगा हुआ है, इससे उसकी कंपनी की जो तरक्की होनी चाहिए जहां पे उसका समय जाना चाहिए वो नहीं जाता, फायर फाइटिंग में चला जाता है। तो फायर फाइटिंग का मतलब है वो ऑफिस पहुंचता है तो टैक्सेस की प्रॉब्लम है, स्टाफ की रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम है आपके, तो अगर आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट राइटली काम करना शुरू कर देते हैं, आपकी विचारधारा एचआर के बारे में क्या है अगर वो अपना काम ठीक से करेगा तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा। आपकी अकाउंटिंग टीम अगर ठीक से काम करेगी तो आपका जो अकाउंटिंग का प्रेशर है, टैक्सेस है, टीडीएस है, टाइम पे जाने वाली रिटर्न्स है, तो वो शायद बेटर हो जाएंगी। तो अगर बिजनेसमैन राइट जगह पे राइट डिपार्टमेंट को ले आएगा तो उसका टाइम काफी हद तक मैनेज हो जाएगा। गॉट इट गॉट इट। और सर दूसरा एक मेजर एस्पेक्ट आता है टाइम मैनेजमेंट के बाद, कि आप जो अपनी इंडस्ट्री में है उसके जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है उससे आप अपडेटेड रहे, जो चेंजेस हो रहे हैं फॉर एग्जांपल पॉलिसीज में, या फिर कुछ नया चीज़ आ रहा है, फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये सब चीज़ को भी आप कैसे अप टू डेट रहते हैं इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, और वो ट्रेंड को कैसे आप मैनेज करते हैं या फिर कैसे अपडेटेड रहते हैं बेसिकली। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पे फिर से दो तरह से इसके जवाब दूंगा। वन, आई एम वेरी अपडेटेड काइंड ऑफ ए कैंडिडेट जो रीडिंग बहुत ज्यादा करता है, बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ता है, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा पाया जाता है, और डिफरेंट वेज में आई विल ट्राई टू कीप मी अपडेटेड जो मेरी इंडस्ट्री के ट्रेंड है वो। लेकिन इसके साथ साथ ना सर मैंने यहाँ पर भी दो डिपार्टमेंट ऐसे तैयार किए हैं जो मुझे भी अपडेट करते रहते हैं और हमारे लिए काम भी करते रहते हैं। हमारी एक यूनिट है जहाँ पे हम कंटेंट की प्रोडक्शन करते हैं, जैसे आपने प्रिज्म आर्ट बोला, तो वी आर कंटेंट क्रिएटर देयर। हम लोग वहां पर मूवीज बनाते हैं, एआर वीआर फिल्म्स बनाते हैं, तो बेसिकली बचपन एज एन ई आर्म जो उसके लिए काम करती है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी के जो एंट्री है वो उस रूट के जरिए, उस गेट के जरिए हम तक आती रहती है। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिवीजन है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जैसे आपने मतलब अभी बात करें तो एनईपी की बात करें, बाकी जो लेटेस्ट ट्रेंड एजुकेशन में आ रहे हैं उनकी बात करें, हमने हर महीने हमारे कोई इवेंट है जहाँ पे हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक पहुँचते हैं और अब हम उन्हें इंटरनेशनल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वी आर अमंग फर्स्ट वन जहाँ पे रोबोटिक्स हम लोगों ने शुरू कर दिया था। वी आर लैब हम लोगों ने आज से 7 साल पहले शुरू कर दी थी। तो इन सब में उस टीम का और हमारी R&D डिवीजन का बड़ा हिस्सा रहता है जो मुझे भी अपडेट करते हैं और मुझे मतलब कीप अप रखते हैं कि कैसे हम उसमें बेहतर काम कर सकते हैं। बट इन दैट टर्म हमें गुड रीडिंग सेवी एंड मार्केट सेवी कैंडिडेट तो उसको अपडेट रखते हैं। नाइस सर आपने दो चीज़ यूज़ की अभी आंसर में, तो मैं एक एक चीज़ पे आना चाहूँगा। एक आपने NEP यूज़ किया, नेशनल एडुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था, तो आपको क्या लगता है कि हाउ इम्पैक्टफुल NEP विल बी, और वो क्या चेंज लेके आएगा पूरे एडुकेशन सिस्टम में आपके हिसाब से? सर वो भारत के बच्चे को ना थोड़ा कंफर्टेबल करेगा, जो मुझे सबसे पहले NEP की अच्छी बात लगती है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि बच्चे को 2 साल का हुआ स्कूल भेज देंगे, 5 साल का हुआ फर्स्ट में भेज देंगे, 16 साल का हुआ कॉलेज में चला जाएगा। इसकी वजह से जो बच्चे के बाकी सारे विकास है वो नहीं हो पा रहे। हमें थोड़ा सा स्लो लेना चाहिए। वंस यू आर आउट फ्रॉम द एजुकेशन देन देयर इज एंटायर लाइफ फॉर अर्निंग एंड फॉर बीइंग इनटू द इकोनॉमी और घर देश समाज की बात आप करेंगे, बट वो समय को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। तो NEP ने ऐसा ही कुछ किया है जहाँ पे ये बोला है कि 6 साल का बच्चा क्लास 1 में जाएगा। हमने भी ये अपनी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स 3 साल पहले लॉन्च किया, दैट इज ए गैप ईयर। हम ये बोल रहे हैं कि आप 12वीं करने के बाद 1 साल के लिए मत पढ़ो, गैप ईयर पढ़ो एंड ट्राई टू नो के संसार में क्या हो रहा है। आप अपने आप को एक बार एक्सप्लोर कर लो, क्या आप कॉमर्स के कैंडिडेट हैं, क्या आपको क्रिएटिविटी में मजा आता है, क्या आपको ट्रैवल में मजा आता है, क्या आपको, तो ड्यूरिंग ए ईयर बहुत सारे ट्रैवल प्लान है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे सोसाइटी को लेके प्लान है, एंटरप्रेन्योर जर्नी को लेके प्लान है, बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात है। तो आप उस 1 साल में अपने आप को एक्सप्लोर कर लो और फिर देखो कि आपके अंदर क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पीयर ग्रुप के प्रेशर में या पेरेंट्स के प्रेशर में कोई कोर्स कर रहे हैं।
और फिर जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको लगता है नहीं यार मजा नहीं आ रहा, लाइफ में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और फिर आप दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा वो प्रोग्राम गैप ईयर काइंड ऑफ ए प्रोग्राम थोड़ा सा कंफर्टेबल करेगा, बहुत सारे बच्चों को नए ढंग से सोचने में प्रेरित करेगा। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी इस तरह की गैप ईयर प्रोग्राम आना चाहिए, एक कोई दो दो महीने का, तीन तीन महीने का, ताकि स्टूडेंट रुक के पीछे मुड़कर देखे कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मेरे अंदर क्या है, मेरी सिचुएशंस क्या है, मेरी फैमिली की सिचुएशंस क्या है, मेरे फाइनेंसेस कैसे हैं, मैं कौन बनना चाहता हूँ। तो उनके अकॉर्डिंगली अगर वो काम करेगा तो मुझे लगता है बेटर होगा। तो एनईपी से और इन सब से ये बदलाव एविडेंट होगा आने वाले कुछ सालों में, ऐसा मुझे लगता है जी। नाइस नाइस। और सर दूसरा, आपने टेक्नोलॉजी पे टचअप किया था जो कि वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI VR। तो आपको क्या लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजीज आ रही है वो एक एडुकेशन सिस्टम को या फिर एक एडुकेशन ऑफ अ चाइल्ड को, मतलब चाइल्ड के एडुकेशन में कैसे हेल्प करेगी या फिर वो डिस्टर्ब करेगी? मतलब काफ़ी लोग तो अभी AI से डरे हुए हैं कि हमारी जॉब्स चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट आपका क्या पर्सपेक्टिव है ये टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि आप वो चीज़ पे काम कर रहे हैं और आपने उस चीज़ के ऊपर टचअप किया हुआ है, तो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दैट? सर ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि मतलब कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा जब भी हम कोई नया काम करेंगे, जब भी हम टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। बट मुझे लगता है कि इसके ज्यादातर इम्पैक्ट अच्छे होंगे। जहां तक हम एजुकेशन को नहीं ले जा पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, हम एजुकेशन को वहां तक ले जा पाएंगे। अभी भी हमारा भारत में एजुकेशन को लेकर हम शायद 33% लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं अपनी आबादी तक। वो बहुत डाउन टाउन रहती है, उनके अपने चैलेंजेस हैं, उनके अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी हमें कंफर्टेबल करती है अपनी एजुकेशन को मासेस तक ले जाने के लिए। इसके साथ साथ सर जो पहले पॉसिबल नहीं था, मैं एक अच्छी चीज बना के बैठा हूँ और मैं आप तक नहीं ले जा पा रहा हूँ, तो अभी वो पॉसिबल है क्योंकि आपके पास बहुत सारे मीन्स और वेज हैं उसको लेके जाने के। शायद मैं AR और VR के जरिए बच्चों को वो दे सकता हूँ जो मैं पहले नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैं उसे प्रैक्टिकली वहां तक, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली उनको वहां तक ले जा नहीं पा रहा हूँ, और ये सब पहले पॉसिबल नहीं था। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी विल बी मेंट फॉर गुड एंड इट विल प्ले वेरी वेरी गुड रोल फॉर द एंटायर कंट्री, चाहे वो बात हम एजुकेशन की करें, एंटरटेनमेंट की करें, अंडरस्टैंडिंग की करें। हाँ छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स तो कोई भी काम जब हम करेंगे तो उसमें से आएंगी, बट आई थिंक कि AI AR VR विल बी गुड फॉर द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। नाइस ओके। और सब सर अभी एक क्वेश्चन है जो मैं सभी गेस्ट से पूछता हूँ, दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? बाकी गेस्ट कैसा जवाब देते हैं? सर इसलिए मैंने क्वेश्चन ही ऐसे डिसाइड किया है फॉर यू, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज सक्सेस, मैं आपके लिए सक्सेस क्या है वो पूछ रहा हूँ। मैं सक्सेस के ना फिर से मायने और परिभाषा एज वाइज स्टेज वाइज बदलती रहती है। अभी मेरे लिए सक्सेस का मतलब है सर कि मैं कुछ वापस दे पाऊं। मैं 7 साल पहले व्हीलचेयर पे आया, मैं एक पोलियो पेशेंट हूँ। मैं 1 मिनट की जर्नी बताता हूँ, सुनने वाले को शायद ठीक लगेगा। जब मैं 9 महीने का था तो मुझे पोलियो हो गया था। 13 साल की उम्र में मैंने पहली बार कैलिपर और क्रचेस पहनकर खड़ा होना शुरू किया, वो अमिताभ बच्चन के स्टाइल में लो हो गए हम अपने पैरों पे खड़े, 13 साल की उम्र में हुआ। और 33 सालों तक लगातार मैं कैलिपर क्रचेस पहन के अपने बिजनेसेस को देश भर में एस्टेब्लिश करता रहा, मैंने बहुत ट्रैवल किया। 7 साल पहले मेरा एक छोटा सा और एक्सीडेंट हो गया और मैं 100% व्हीलचेयर पे आ गया। तो फर्स्ट डे इन माय लाइफ मैं थोड़ा सा रुका, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली, मैं 6 महीने के लिए बिस्तर पे आ गया। मेरे को पहली बार मेरी आंख में आंसू आए, पहली बार मेरे को किसी ने उदास देखा। तो ऐसा सा आपकी लाइफ एक एक बार के लिए रुक गई, ऑन हॉल्ट आ गई। तो मेरी वाइफ ने, मेरे ऑफिस के लोगों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि ये कुछ और तरह से लाइफ को देखने की रिक्वायरमेंट है, आपने अपने आप को ये वर्किंग मशीन और ये सब बना लिया है, ये इट्स गुड, लेकिन इसके अलावा आप लाइफ को टर्न अराउंड करके देखो। और मैं बोल रहा था नहीं आप समझ नहीं रहे हो, मुझे और कुछ आता नहीं है, मेरा जन्म तो सिर्फ कमाने के लिए, खाने के लिए, बिजनेसेस करने के लिए हुआ है, एंड वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल मैन इन माई लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसफुल लाइफ? यू आर सक्सेसफुल, आप ऐसा मानना शुरू करो, बट स्टार्ट गिविंग बैक टू सोसाइटी।
तो वो फेज एक साल का ऐसा था जब मैं 6 महीने बेड में था और मैं 6 महीने उसके बाद समझ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। वहां से मेरी लाइफ की मीनिंग बदल रहे थे, टर्न हो रहे थे। अभी मैं मतलब पहले 3 साल में संडे की संडे अच्छा आदमी था। मुझे लगता था कि मुझे संडे को कुछ अच्छा काम करना है, मुझे उन लोगों से मिलना है, मुझे अपने पीयर ग्रुप में जाना है। जो फिर मैं 2 दिन के लिए अच्छा आदमी बनना शुरू हो गया सैटरडे संडे के लिए। मतलब 5 डेज तो मैं टिपिकली बिजनेस मैन हूँ। सुबह 9 बजे उठ के सोचता हूँ जल्दी से जल्दी बिजनेस कैसे पहुंचना है, रात 11 बजे तक सोचता हूँ कि ये वाले काम आज कैसे खत्म करने हैं। बट 1-2 दिन का ये बदलाव लाइफ में आने लगा जिसमें ऐसा लगता है कि हमें इस प्रॉब्लम के लिए काम करना है, हमें इस प्रॉब्लम के लिए काम करना है। अभी हम यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट ईयर से स्कूल ऑफ पैरा स्पोर्ट्स शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ ए पैरा स्पोर्ट्स स्कूल इन माई यूनिवर्सिटी इज ए सक्सेस स्टोरी। मेरे 100 के 100 स्कूलों में व्हीलचेयर पर पढ़ने वाला बच्चा आ जाए, ग्राउंड फ्लोर में पढ़े, मैं डीफ डम ब्लाइंड बच्चे को पढ़ा पाऊं, ये मेरे लिए सक्सेस के मतलब है। मेरे बच्चे, मेरे स्कूल्स के बच्चे, मेरे कॉलेज के बच्चे लाइफ को थोड़ा सा टर्न अराउंड करके देखें। ऐसा ना हो कि उन्हें भी 45 साल की उम्र में किसी प्रॉब्लम की वजह से रियलाइज हो कि लाइफ के मतलब सिर्फ ये नहीं है, उन्हें वो लाइफ के मतलब हम टाइम से बता दें। तो ये मेरे लिए सक्सेस का मतलब है। मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी जो पिछले 1-2-3 सालों से लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इन टर्म्स में अगर मैं काम कर पाता हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। आने वाले 1-2-3 सालों में क्या बदलाव आएगा मैं सच में नहीं समझ रहा हूँ। हो सकता है कभी हम 2-3 साल बाद दोबारा मिले, बात करें, तो मैं आपको सक्सेस के कुछ नए मायने बताऊं जो मुझे लगेंगे। 100% 100%। और सर आपके फाइनल कमेंट्स जो भी लिसनर्स है व्यूअर्स है उनके लिए आप लास्ट कमेंट्स क्या देना चाहते हैं उनको? सर, सबसे पहले आपको बधाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके सवाल का क्रम और पूछने की दृष्टि बहुत अच्छी थी। ये बात हम राइट लोगों तक ले जाएं, ऐसा मुझे लगता है। हम सबको एक मिनिमम, मेरे लास्ट कमेंट की अगर बात करूं तो वो कुछ ऐसा है कि हम सब लोग एक मिनिमम ऑनेस्टी के साथ काम जरूर करें। वो ऑनेस्टी हम अपनी लाइफ के लिए रख लें, वो ऑनेस्टी हम अपने देश के लिए रख लें, वो ऑनेस्टी हम अपनी सोसाइटी के लिए रख लें। एक मिनिमम ऑनेस्टी के साथ हम काम जरूर करें। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम लोग मिनिमम ऑनेस्ट भी नहीं है, और हम ऑनेस्ट होने के मतलब हर संडे को, हर दिन, हर साल बदल देते हैं। तो ये मुझे जरूर लगता है कि वी शुड बी ऑनेस्ट विद अवर लाइफ। मे बी वो मिनिमम ऑनेस्टी हो। अगर आप एक बार मिनिमम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, तो फिर धीरे धीरे ये ऑनेस्टी की परसेंटेज आपकी बढ़ती जाएगी। बट प्लीज बी मिनिमम ऑनेस्ट विद योर लाइफ। अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने इंसाइट्स दिए, इतनी वैल्यूबल चीज़ें पे बात की। आई होप के जिन लोगों ने भी सुना और जो भी सुनेंगे उनको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, जैसे हमने टाइम मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, काफ़ी सब चीज़ पे कवर अप किया। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल इंसाइट सर, एंड आई होप यू अटेंड ऑल द सक्सेस दैट यू वॉन्ट, और जो आपकी सक्सेस की डेफिनेशन है वो हमेशा आप अटेंड करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।